हेलो एवरीवन, स्टडी विद पूजा मित्तल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस स्ट्रैटेजी को अपनाकर इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं ताकि हम अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से एमएससी कर पाए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, पहले अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि मार्च 2024 में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 1 मार्च 2024 को, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च 2024 को है। आज जो डेट है बच्चे वो है हमारी 6 नवंबर 2023। अब 6 नवंबर 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक कितने डेज बचते हैं आपके पास? देखो 24 डेज हमारे अभी नवंबर में रह गए हैं, 31 डेज आप लगा लीजिए दिसंबर में, 31 डेज हमारे हैं जनवरी में, आई थिंक 29 डेज अब की बार है फरवरी में, इतने आप दिन मानकर चलिए, ठीक है। अब कितना हो गया ये 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग ये हमारा आ गया 115 डेज था, ठीक है। अब 115 डेज आपके पास कहने को है, लेकिन आपको पता है कि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो क्या होगा कि इसमें से 15 डेज तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। फेस्टिवल है, कुछ काम आ गया है या कुछ भी बर्डन ज़्यादा आ गया, मतलब 15 डेज मैं खींचतानी करके बता रही हूँ, क्योंकि 15 डेज तो आराम से ऐसे ही चले जाएंगे। तो हमारे पास अभी बचते हैं 100 डेज, ठीक है। अब 100 डेज हैं और आपने अगर CUET PG का सिलेबस देखा हो उसमें 14 यूनिट्स हैं, 14 यूनिट्स में 100 डेज में आपको 14 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी, आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। पहले अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। हर क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल हमारा पेपर आएगा 400 मार्क्स का, ठीक है। अब ये जो 100 क्वेश्चंस है बच्चे, इन 100 में से आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन ए है इसमें क्या है, हमारा जनरल एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक, चलिए ठीक है लैंग्वेज है। अब इस सेक्शन ए में हमारा एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 25 × 4 यानी कि आपके 100 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिलते हैं। सेक्शन बी में हमारे 75 हो जाते हैं, जिसमें से आपको 300 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन बी है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप सेक्शन बी पे फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि सेक्शन ए को बिल्कुल ही छोड़ दें, आपको सेक्शन ए को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से आपका क्या टारगेट होना चाहिए, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग और है तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो 400 मार्क्स हैं, अगर आप इससे 270 मान के चलो, आप मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 270 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 400, बाकी आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके 270 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 400, तो आपको बच्चे आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जहां पर भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। चलिए 270 नहीं 280 कर देती हूँ इसको, ठीक है। 280 तो मोर देन सफिशियंट है, नहीं तो अगर आप 270 तक भी लाते हैं तो आप ये सोचिए कि आप सेफ साइड में हैं, ठीक है। मतलब मनचाही यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपको DU से करना है, BHU से करना है, JNU से करना है, जहाँ से भी आपको करना है आप यहाँ से बड़ी इजीली एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके 280 मार्क्स आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि 300 हमारे आ रहे हैं सेक्शन बी से और 100 मार्क्स आ रहे हैं हमारे सेक्शन ए से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका दिल नहीं है सेक्शन ए पे फोकस करने का और मैं टारगेट एक बार के लिए 280 ही लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं उसके लिए। बाकी ये है कि अगर आप और अच्छे से पढ़ लेते तो आप बड़े ईजिली 350 प्लस भी मतलब क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है बट ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है। अब 280 मार्क्स की मैं बात करूँ तो मान लीजिए आप 250 प्लस मार्क्स लेके आ गए सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। सेक्शन बी में आप 250 प्लस ले आए और कितने रह गए, आप 30 मार्क्स आप लगा लीजिए आपने सेक्शन ए से, ठीक है। सेक्शन ए से यानी कि 7 to 8 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं, ओनली 7 to 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 25 में से, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो यानी हम लोग को क्या करना है, सेक्शन बी अच्छे से करना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी भी हैं जो सेक्शन बी को ही कंसिडर करती हैं, आई थिंक JNU जो है हमारी वो भी सेक्शन बी को ही
मतलब ज़्यादा देखती है। चलो ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो देखो मैचिंग भी आती है ना, मैचिंग भी आती है। कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे आपसे, स्टेटमेंट ए बी सी डी वगैरह की, ट्रू फॉल्स वगैरह बता दो, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट वगैरह वगैरह। जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो है हमारे एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, एसर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। थोड़ा बहुत आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, जैसे कि कुछ भी एक स्टेटमेंट दे दी और वहाँ पर बस एक ब्लैंक में डाल दिया ए, एक में डाल दिया बी, और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन में दे दिया कि ए में ये फिल होगा, बी में ये फिल होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पहली चीज़ बच्चे अभी आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। हमारे टोटल 14 यूनिट्स हैं हमारे सी यू टी पी जी जूलॉजी के सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट हमारी आती है सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी। हमारे ऐप पर पूजा मित्तल मैम जो है वो इस यूनिट को कंप्लीट करवा रही है, आई थिंक कंप्लीट हो गई है, हाँ सेल बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो ठीक है हमारी लेक्चर सीरीज भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मतलब सारी चीज़ों का निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं अगर आपको बेसिक के लिए कोई बुक बताऊँ सेल बायोलॉजी की, तो आप कार्प से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बुक अच्छी है, बेसिक के लिए अच्छी है। और बाकी पर्सनली मुझे जो बुक अच्छी लगती है वो लगती है मुझे सेल बायोलॉजी की लोटिश, बट ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, पर ठीक है कार्प आपके बेसिक के लिए बहुत अच्छी बुक है, लोडिश भी अच्छी बुक है, ठीक है। सेकेंड आप ले सकते हैं, सेकेंड हमारी जो यूनिट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बच्चे डरते हैं, इतना डरने वाली चीज़ें नहीं है इसके अंदर। बायोकेमिस्ट्री में देखो आप अपने मेन मेन टॉपिक्स पर फोकस करो, क्या करो आप अपना सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करो। बायोमोलिक्यूल्स में आपके ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये कंप्लीट करो। उसके बाद एक दो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बेसिक से, पर पूछा जा सकता है। बेसिक में आपका क्या क्या आ रहा है, पीएच, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये तीन, सिर्फ आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबको पता होगा क्या क्या पढ़ना है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बच्चे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, आपको ये कंप्लीट करने हैं। अब देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ठीक है आप कर लोगे, प्रोसेस है, पढ़ लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले एंजाइम्स याद होने चाहिए, थोड़े बहुत आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स यानी कुछ इनिबिटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनिबिटर्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर फोर्थ यूनिट आती है हमारी इकोलॉजी, इकोलॉजी आपको मैम ही कंप्लीट कराएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है फोर्थ हमारी आ जाती है इकोलॉजी। फिफ्थ है हमारा इवोल्यूशन, जो कि सबसे छोटी यूनिट है और स्कोरिंग है। इवोल्यूशन एक ऐसी यूनिट है जिसे आप कम टाइम में, मतलब इनपुट आपको इसके अंदर कम देना है, आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है, इवोल्यूशन आपकी ये यूनिट है। इवोल्यूशन में भी अगर मैं बताऊँ आपको फोकस किस किस चीज़ पे करना है, तो आप इसमें मतलब किसको आप मेन वो करोगे, एनिमल बिहेवियर आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एनिमल बिहेवियर जो है वो इस टाइप का टॉपिक है कि इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। फिर इसमें आप स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलते हैं। और इसमें आपका, हाँ जी, हम डार्विन और लेमार्क को कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारे महान साइंटिस्ट हैं, इनको नहीं भूलना है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप अच्छे से पढ़ जाना, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छे से कर जाना, अभी तो मेरे माइंड में इतना ही आ रहा है इवोल्यूशन में, ठीक है, आप ये सब कर जाना। उसके बाद आई थिंक हमारी जो सिक्स यूनिट है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसमें आई थिंक रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी आपकी टेबल्स वगैरह है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो डेली, ठीक है, जैसे मान लो खाना खाते टाइम थोड़ा सा देख लिया, सिर्फ ऐसे कर लो, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद सेवन्थ जो यूनिट आती है ये आती है आपकी इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी का क्या है कि कितना भी पढ़ लो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा निकल जाता है, कई बार फंस जाता है, पर ठीक है निकल जाते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको पहली चीज़ एंटीजेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको MHC के बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी Type 1, Type 2, Type 3, आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और Type 4, अच्छा, और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, और क्या रह गया, हाँ, MHC। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इम्यूनोलॉजी के, ये आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपकी 8th यूनिट आती है जेनेटिक्स, माई फेवरेट यूनिट। और ये भी अगर मतलब इसमें क्या है ना, एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। यहाँ पर आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉन मेंडेलियन का नाम ले रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ बच्चे, जीन इंट्रैक्शन वगैरह बारे में बात कर रही हूँ, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, और हमें पेडिग्री के बारे में पता होना चाहिए। पेडिग्री पेडिग्री या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पेडिग्री से याद आया कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उनसे हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कौन सा एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर हमारी 9th यूनिट आती है बायोटेक्निक्स। अब देखो, बायोटेक्निक्स को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें क्या है, दो कैटेगरी है बच्चों की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल किए हैं, मॉलिकुलर लेवल पे भी गए हुए। कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता इतना कुछ, उनके कॉलेज में नहीं करवाया गया ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डिसेक्शन किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप इस यूनिट में बहुत ज़्यादा मत घुसिए बच्चे, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप क्या करो, कुछ टेक्निक्स को उठाओ, आप उसका एप्लीकेशन देखो और आप उसका प्रिंसिपल देख लो, ठीक है। एप्लीकेशन और प्रिंसिपल देख लो आप उस एक टेक्निक का, और उसके बारे में फिर सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा यूनिट के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निक के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल से आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी के जितने भी टाइप्स हैं कि क्या एप्लीकेशन है, किस प्रिंसिपल पे ये वाला क्रोमेटोग्राफी में काम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, सेंगर सीक्वेंसिंग, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पता होना चाहिए, एक बार शायद पायरो सीक्वेंसिंग से भी आया था, हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी है बहुत, सिर्फ इतने ही नहीं करने हैं आपको, इसके अलावा बाकी भी चीज़ें करनी है। मेरे माइंड में भी जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद 10th यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इस यूनिट के साथ प्रॉब्लम ये है बच्चे कि अभी जो हमारा लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, क्योंकि लास्ट इन्होंने क्या किया है, लास्ट टाइम इन्होंने हर यूनिट को बैलेंस कर दिया। उससे पहले क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट टाइम क्या हुआ था, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इसमें क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, पर क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप MSc जूलॉजी से ही करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोटपाल कर लो, मैं भी बोलूँगी अगर आप कोटपाल पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, अगर आप कोटपाल से कंप्लीट कर सकते हैं तब कीजिए, वो लगभग हर बच्चे के पास होती है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, आपके जो BSc MSc के नोट्स हैं उनको भी अच्छे से कर लोगे ना, MSc की नहीं सॉरी, जितने आपके BSc के नोट्स हैं आप उनको भी अच्छे से कर लो, एटलीस्ट वो तो करके चले जाओ, ठीक है। वो करो और क्वेश्चंस लगाओ इससे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के लिए, क्योंकि यूनिट देखो कितनी बड़ी है जो हम बच्चों को कराते हैं। एक मिनट रुको, ये देखो, ये बायोकेमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं, ये इवोल्यूशन है जो मैं कराती हूँ यहाँ पे अपने इस पे, ये देखो ये वही PDF है, एक हमारी क्लास से ही है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में जैसे एनिमलिया का Chapter 1, Chapter 2, प्रोटिस्टा, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडोमेटा, हेमिकोडेटा,
इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा, एग्नाथा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमल्स, यानी टोटल आप देख रहे हो 20 चैप्टर हैं इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर, यानी सबसे बड़ी यूनिट ये है। ठीक है, तो यानी आपको इसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, ये यूनिट आपका ठीक ठाक टाइम लेगी। उसके बाद हमारी आती है 11th यूनिट जो आपकी आती है डेव बायो। डेव बायो कैसी यूनिट है बच्चे, आप लोगों के लिए ये मैं इजी यूनिट में डालूंगी, क्योंकि इसमें भी यही है कि इतना इनपुट नहीं है जितना आउटपुट है, आपको सीधी सीधी स्टेटमेंट इससे देखने को मिलेगी, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी, आपको घुमाएंगे नहीं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह में आप फिर भी घूम जाओगे, डेव बायो में आप घूमोगे नहीं, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलती है। तो मतलब अगर मैं मेरा बताऊँ तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं कि मैं आई थिंक हाँ अप्रॉक्स 7 क्लासेस लेती हूँ, 7 क्लासेस में हम डेव बायो बिल्कुल कम्प्लीट करते हैं, इतने अच्छे से कम्प्लीट करते हैं, मतलब मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मतलब हम लोग 7 क्लासेस बहुत है, मोर देन सफिशियंट है मेरे हिसाब से डेव बायो की, कि उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाता है हमारा। फिर 12th यूनिट हमारी आती है डेव बायो में, जैसे आपको फर्टिलाइजेशन वाला पता होना चाहिए, फिर उसमें पॉलीस्पर्मी ब्लॉक वाला जो है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें हमें मेन क्या क्या पढ़ना होता है, सी अर्चिन, ड्रोसोफिला के बारे में हमें पता होना चाहिए, ड्रोसोफिला के जितने भी आप जीन्स वगैरह पढ़ते हो वो सब हमें पता होना चाहिए, और इसमें आपका मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग वाला जो हम करते हैं, कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और रीजनरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, रीजनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 12th यूनिट हमारी आती है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स की भी मैं 2 क्लासेस लेती हूँ, बायोस्टैटिस्टिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, और आई थिंक इससे लास्ट ईयर हम लोगों ने एक ही क्लास में कंप्लीट किया था बायोस्टैटिक, या 2 में किया होगा, 2 लगा लीजिए, चलिए ये 2 में किया होगा। उसमें क्या है, जितने भी बायोस्टैट्स, क्योंकि बायोस्टैट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3-4 ही आते हैं, तो जितने भी आए थे 3-4 हम लोगों ने उन 2 क्लासेस में सारे कंप्लीट कर लिए थे, मतलब सारे क्वेश्चन हो गए थे बच्चों से। ठीक है, इसमें मतलब मेन आपके जैसे मान लीजिए इसमें आता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए, मेन मिडिल मोड निकालना आना चाहिए आपको। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज स्क्यूनेस के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, स्क्यूनेस, कर्टोसिस क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मेन मिडिल मोड और आपका स्टैंडर्ड एरर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 12th यूनिट। उसके बाद बच्चे हमारी 13th यूनिट कौन सी है, ध्यान है किसी को, हाँ एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में यही बोलूँगी, आपके जो बीएससी के नोट्स हैं एटलीस्ट आप उनको तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको हर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी ये और डिटेल में आ जाती है, मतलब वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है जो थोड़ी सी बड़ी है वो हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। ठीक है, आपको इसके बारे में तो हर सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड डिजीज आपको पता होने चाहिए, किसी में अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हमारी 14th यूनिट आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ईजी है, छोटी सी यूनिट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है इसके अंदर, 2 क्लासेस में ये भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें मेन हमें बस जीन क्लोनिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमें वेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वेक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, और एक हमारा मतलब एक तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग सिर्फ CUET PG जूलॉजी को ही टारगेट नहीं करते हैं, आपसे जैसे जो RDT है या ये जितनी भी यूनिट्स हैं, इन सब यूनिट्स में अगर गेट भी में भी अगर आप बैठते हैं, ठीक है, अगर आप ये वाला भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका ये भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, ये भी टारगेट रहता है। अब आप इन यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कोई लेंथी यूनिट्स, ठीक है, जो थोड़ी सी लेंथी है और हमें कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। एक चीज़ और बच्चे, आप इसमें से कोई भी यूनिट स्किप ना करें, मैं आपसे यही कहूँगी कोई भी यूनिट स्किप ना करें, क्योंकि हर यूनिट का ये नहीं है कि एवरी यूनिट जिस टाइप की आपको दिख रही है उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब कोई यूनिट बहुत बड़ी है, कोई यूनिट बहुत छोटी है, कोई यूनिट ऐसी है जो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो रही है, कोई यूनिट ऐसी है जिसके लिए 40 लेक्चर्स तक जा रहे हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स है, ये एक यूनिट है जहाँ पर हम 40 लेक्चर्स तक पहुँच जाते हैं। जो आपका बायोस्टैट वाली है वो ऐसी जो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रही है, तो आपको क्या करना है उस हिसाब से आपको अपना स्केड्यूल तैयार करना है। ठीक है,
पहले मैं कुछ लेंथी यूनिट्स लिख देती हूँ, जैसे सबसे बड़ी है हमारी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इसके बाद हमारी आती है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी एनिमल फिजियोलॉजी, देन इसके बाद हमारी आएगी, इसके बाद आप ले लीजिए आपकी सेल बायो मोल बायो, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट्स आ जाती हैं, सेल बायो मोल बायो, उसके बाद आप इधर ले लीजिए डेव बायो, ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, देन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं जेनेटिक्स, उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पर इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायो टेक्निक्स जो है वो मैं आपके लिए छोटी यूनिट्स में क्यों डाल रही हूँ बच्चे, क्योंकि अभी आपको CSIR की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है, जब MSc में एडमिशन हो जाएगा, जब आराम से बैठ के तैयारी करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एप्लीकेशन और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटी यूनिट में डाल रही हूँ। मान लीजिए 20वीं टेक्निक है, आप डेली आप सिर्फ एक टेक्निक को उठा लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक टेक्निक 15 मिनट लेगी, उसका सिर्फ एप्लीकेशन और प्रिंसिपल पढ़ लो बस, उसके बाद नोटबुक को बंद करके रख दो, तो क्या होगा 20 दिन के अंदर आपने बायो टेक्निक्स जो है ऐसे ही साथ साथ में चला दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारी कौन सी रह गई, अच्छा हमारी इम्यूनो रह गई है ना, तो इम्यूनो को मैं चलिए इधर ही डाल देती हूँ, वैसे मुझे बायो टेक्निक से पहले डालनी चाहिए थी, पर ठीक है इम्यूनो डाल देती हूँ। इसके बाद कौन सा रह गया, इसके बाद हमारा रह गया है बायोस्टैट और हमारी रह गई है यहाँ पर क्या रह गया, RDT, आई थिंक एक मिनट और रह गई है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रह गया, ठीक है, इसको इको एवो के पास ही डाल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कुछ इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी यूनिट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और आप एक भी यूनिट छोड़ नहीं सकते हैं, इवन आप कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई फिक्स पैटर्न मुझे अभी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी है जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाए, और मान लीजिए इन्होंने क्वेश्चन उठा लिए, मान लीजिए 6 क्वेश्चन उठाए, तो उसमें से 4 एप्लीकेशन से ही दे देते हैं, अब कोई ऐसा बच्चा है जिसका रेप्लीकेशन वीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया है, तो बेचारा क्या करेगा, उसको तो अब रेप्लीकेशन की वजह से उसके 4 क्वेश्चन रह गए, तो आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बच्चे, हर टॉपिक को आप करो, ठीक है, हर टॉपिक को आप कर सकते हो। चलो ठीक है, अब आप इसको कैसे तैयार करेंगे, देखो हमारे पास है टोटल 100 डेज, जिसके अंदर हमें PYQs भी करने हैं और हमें रिवाइज भी करना है, और हमारी क्लासेस तो साथ में चली रही हैं BSc वाली, हमें वो भी करनी है, 100 डेज हैं, 14 यूनिट्स हैं। अगर मैं आपको मतलब खुद का बताऊं कि जब मैं BSc कर रही थी तब मैं कितना टाइम लेती इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करती, तब भी मैं इनवर्टिब्रेट्स वाली जो यूनिट है इसमें बच्चे मैं लगाती लगभग 25 डेज, ठीक है, यहाँ पर मैं लगाती लगभग 25 डेज। उसके बाद एनिमल फिजियो में मैं लगा देती 20 डेज, ठीक है, एनिमल फिजियो जो है यहाँ पर भी मेरे 20 डेज लग जाते। डेव बायो अभी मेरे लिए इजी है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इतने कम लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी, पर कोई बच्चा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए तो न्यू है, तो वो बच्चा मान लीजिए 15 डेज ले रहा है यहाँ पर डेव बायो के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर 15 डेज ले रहा है। उसके बाद आप जेनेटिक्स उठा लीजिए, अगर मैं उस टाइम पर जेनेटिक्स पढ़ती, मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मैं खुद BSc में थी, ठीक है, बिल्कुल उस जगह पर खुद को रख के आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जब मैं BSc में थी। अच्छा, जेनेटिक्स हो गई 10 डेज में, उसके बाद मुझे इकोलॉजी में भी बच्चे 10 डेज लग जाते हैं, ठीक है, मुझे इको में भी 10 डेज लग जाते हैं, इवोल्यूशन में मुझे थोड़ा सा कम टाइम लगता है, 7 डेज लगते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या रह गया, मोल बायो, ठीक है, जो हमारी मोल बायो है, मोल बायो के अंदर मुझे लगते हैं 10 डेज, यहाँ पर भी मुझे 10 डेज लग जाते हैं, क्योंकि मिनिमम मैं 2 डेज में एप्लीकेशन कर पाती, मतलब 2 डेज तो बहुत कम ही था, पर चलो ठीक है, फिर भी हम एक बार को मान लेते हैं, मोल बायो में 10 डेज लगाती। उसके बाद मुझे 10 दिन चाहिए सेल बायो के लिए, समझ रहे हो आप, 10 दिन मुझे चाहिए सेल बायो के लिए, और बायो कैम जो है उसके लिए मुझे 10 डेज चाहिए होते अगर मैं BSc कर रही होती तो, ठीक है, बायो कैम मुझे 10 डेज में चाहिए करनी होती। इम्यूनो जो है, इम्यूनो के लिए भी हमें 5 डेज चाहिए, राइट, और क्या रह गया, बायोस्टैट,
अगर थोड़ा थोड़ा लेक्चर करती हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती, तब भी मुझे 3 डेज लग जाती, ठीक है। और जो RDT है, RDT में भी मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करना होता, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस PYQs वगैरह सब देख के बता रही हूँ, ठीक है। RDT में 2 डेज लगते हैं। इसके बाद बचती है बायोटेक्निक्स और हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मैं क्या करती बच्चे, बायोटेक्निक्स जो है वो मेरी साथ में चलती, ठीक है। बायोटेक्निक्स जो है ये मेरी यहाँ पर पैरेलली चलती, बायोटेक्निक्स जो है ये मैं पैरेलल चलाती, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला जो यूनिट है इसको भी मैं पैरेलल चलाती, कि जैसे कभी भी थोड़ा बहुत टाइम लगा तो ऐसे ही उठा के देख लिया, ठीक है। और बायोटेक्निक्स जो है ये मैं पैरेलल चलाती। अब आप देख सकते हैं ये दो यूनिट जब मैं पैरेलल चलाती, जब भी ये लगभग कितने डेज होते, आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे ये, ठीक है। आप काउंट कर लेना, ये मोर देन 100 डेज से, मतलब मोर देन 100 डेज होंगे, ठीक है। 100 डेज से ज़्यादा दिन चाहिए होते मुझे, लेकिन क्या मेरे पास इससे ज़्यादा दिन है? नहीं है। तो मैं 100 डेज में इसको कैसे मैनेज करूँ, देखो यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप क्या करो बच्चे, एक साथ आपको दो यूनिट्स उठानी पड़ेंगी। जैसे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स बहुत बड़ी यूनिट है जो कि 25 दिनों में कंप्लीट होगी, होगी ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके साथ मैं उठाऊंगी एवोल्यूशन, इवोल्यूशन में उठाऊंगी जो मेरा 7 दिन में कंप्लीट होना था, तो ये हो गया, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, साथ में एवोल्यूशन, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मेरे सीधे सीधे 7 दिन ये चले गए, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बचे हुए हैं। उसके बाद एनिमल फिजियो के साथ मैं उठाती बच्चे जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरे सीधे सीधे 10 दिन यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है। मैं इसके साथ जेनेटिक्स उठाती। डेव बायो के साथ मैं उठाती सेल बायोलॉजी, ठीक है। 15 डेज के अंदर मेरी डेव बायो और सेल बायोलॉजी ये कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ से मैं सेल बायो को भी हटा देती हूँ, ठीक है, ये भी गया। इसके बाद इकोलॉजी के साथ मैं लेकर चलती इकोलॉजी, यहाँ पर वैसे भी मेरी 10 दिन की है, 10 दिन वैसे आपकी चलती नहीं है, 10 दिन से पहले हो जाती इकोलॉजी, फिर भी मैं इकोलॉजी के साथ यहाँ पर लेती बायोकैम को। ये मेरा पर्सनल है कि भाई ठीक है, मैं अपने साथ मैं इन यूनिट्स को ही चलाती। अब बचती है मोल बायो, मोल बायो के साथ में लेती इम्यूनो, ठीक है। मोल बायो के साथ में लेती इम्यूनो, बट ठीक है BSc वाले बच्चों को मोल बायो थोड़ी सी टफ भी लगती है, तो आप इम्यूनो को चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार के चलिए इम्यूनो को हम लोगों ने अलग कर दिया, यानी अब बचे हमारे पास इतने डेज, मतलब मोल बायो अकेली कर ली, जो बचा कुचा काम रह गया हो वो हम मोल बायो वाले टाइम में या इम्यूनो 5 दिन के इस टाइम में कर लेंगे। हाँ मुझे बायोस्टैट और RDT के लिए लग जाते हैं 5 दिन, तो ठीक है इतने तो मैं 5 दिन चला सकती हूँ। अब बायोटेक्निक्स मुझे साथ में चलानी पड़ेंगी, बायोटेक्निक्स मेरी हर यूनिट के साथ चलेंगी, ठीक है। बायोटेक्निक्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली आप कोई एक टेक्निक उठा लीजिए, 15-20 मिनट दीजिए और आपका काम हो जाएगा। बायोटेक्निक्स मैं साथ में चलाती, और जो थोड़ा वो टेबल वगैरह को देखना होता किसका, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाला जो पोर्शन है उसका मैं चलाती। अब हम डेज की अगर बात करें तो कितने डेज हो गए बच्चे, 25 + 20 45 45 + 15 हो गए 60 70 80 90, ठीक है। ये हमारे हो गए यहाँ पर 90 डेज लगभग, जिसमें से मुझे 10 डेज मिल गया रिवीजन का। और ये हमने कब माना है, ये हमने तब माना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च 2024 को है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम 1 मार्च की बजाय 30 मार्च को हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है 1 मार्च को हो जाए, तो बाकी का जो टाइम मिलेगा वो मेरे लिए हो जाता बोनस टाइम, ठीक है, वो मेरे लिए हो जाता बोनस टाइम। अब ये पूरा स्केड्यूल देख के मैं इतना तो आइडिया लगा सकती हूँ कि डेली मुझे चाहिए 6 to 7 आवर्स, ठीक है। डेली हमें 6 to 7 आवर्स तो सिर्फ और सिर्फ CUET PG के एग्ज़ाम के लिए निकालने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए 6 भी छोड़िए, आप 7 मान लीजिए, नहीं चलिए 7 भी छोड़िए, आप 6 मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 6 ही आवर्स हैं। आप बोल देंगे मैम इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता है, ठीक है। आधा घंटा मैं टेक्निक के लिए लगा देती हूँ, चलिए आधा भी छोड़िए, आप बायोटेक्निक्स की बात करूँ डेली की, आधा छोड़िए आप 1 आवर लगा दीजिए आप, ठीक है। 1 आवर हमने लगा दिया इधर किसके लिए, बायोटेक्निक्स के लिए, बायोटेक्निक्स के लिए हमने लगा दिया 1 आवर। अब बच्चे सेक्शन ए, सेक्शन ए को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, स्कोरिंग है आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैं 1/2 आवर लगाऊंगी, ठीक है, यानी कि मैं 30 मिनट्स जो डेली दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ सेक्शन ए को, ठीक है। और हिमांशी मैम ने आपको कंप्लीट भी करवाया है चैनल पर बहुत अच्छे से, उनकी मतलब सारी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो 30 मिनट्स मैं देती सेक्शन ए को, तो यहाँ पर हो गया मेरा 1.5 घंटा। अब इसके बाद कितना टाइम बचता है,
इसके बाद मान लीजिए मेरे पास 4 घंटे ही बच गए, ठीक है, आधे घंटे में मान लीजिए मेरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी कर लिया, या मान लीजिए हाफ आवर में मैंने वो टेबल ही देख ली, ठीक है, हाफ आवर में दे देती हूँ टेबल को। अब मेरे पास बचते हैं 4 आवर्स, ठीक है, अब बचते हैं 4 आवर्स। अब जो मैंने यूनिट्स उठाई हैं मुझे उस हिसाब से इन 4 आवर्स को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले उठाई थी इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स और इवोल्यूशन, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 25 जो मेरे दिन थे स्टार्टिंग वाले उसमें मैं 3 आवर्स दे रही हूँ इनवर्टिब्रेट प्लस वर्टिब्रेट्स को और 1 आवर मैं दे रही हूँ इवोल्यूशन को। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेंगी कि 6 आवर्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो 1, 1.5, 2, 4, 6, 6 घंटे हो गए पूरे। अगर इससे ज़्यादा टाइम मिलता है बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे मैम ठीक है आपकी बात मान ली हमने, 6 आवर्स हम लोग चलो निकाल भी लें, पर पूरा दिन तो हमारा कॉलेज में जाता है। देखो बच्चे मैनेज आपको करना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उन बच्चों की ज़्यादातर की कॉलेज की टाइमिंग क्या है, 9 to 4, ठीक है ना, 9 बजे वो लोग निकल जाते हैं, किसी की 10 to 4 है। तो 5 बजे तक मान लीजिए आप घर पर आ गए, ठीक है, मान लीजिए आप 5 बजे तक घर पर आ गए, 5, 5:30 तक जब तक भी आए, ठीक है, 6 बजे तक मान लीजिए आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, मतलब 6 बजे तक आपने चाय वगैरह सब पी ली है। तो आप ये सोचिए कि 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपने पढ़ाई करी, ठीक है, 6 PM to 9 PM आपने क्या किया, स्टडी की। उसके बाद आपने डिनर कर लिया, ठीक है, मतलब आधे घंटे में डिनर हो जाता है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 9:30 मान लीजिए आपने 9 बजे डिनर किया, उसके बाद 9:30 से 10, 11, 12, चलिए 12:30 लगा लीजिए कि 12:30 तक आपने स्टडी की। उसके बाद 12:30 बजते ही मान लो नींद नहीं आई आपको, 1 बजे नींद आ गई, 1 बजे आपको नींद आ गई और आप यहाँ पर 7 बजे उठ गए, ठीक है। अभी आपको क्या है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, 6 आवर्स आप सोइए, ठीक है, 6 आवर्स बहुत है आपको, 6 घंटे सोना है, इससे ज़्यादा अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक एग्ज़ाम की तो बात है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद कर लेना मैनेज, ठीक है। अब कभी कभी दिन ऐसा होगा जब आपकी छुट्टी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी वाले दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए आपका कोई टारगेट तो कंप्लीट नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, जैसे भी आपको करना है वो आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि जो आपकी क्लास की टाइमिंग है कॉलेज की, बिल्कुल मतलब इस टाइमिंग पे हमेशा क्लास हो या आप हमेशा बिजी हो ऐसा नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पर अपना कॉलेज का काम कर सकते हो। मतलब कोशिश करो कि जो आपका कॉलेज का काम है वो आप वहीं पर निपटा के आओ, कि घर पे आके आपको कुछ ना करना पड़े, ठीक है, मतलब वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बत्ते वत्ते नहीं मारना किसी के साथ, मार्च तक की तो बात है यार, मार्च के बाद आराम से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको बता दी पूरी स्ट्रैटेजी कि जो लोग सेल्फ स्टडी करें वो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से कौन सी बुक से पढ़ें, जैसे मान लीजिए मैं आपको डेव बायो के लिए गिलबर्ट बता दूँ, मेरा कुछ नहीं चाहता, मैं आपको एक बुक का नाम बता दूंगी गिलबर्ट, पर मैंने वो CSIR के लिए पढ़ी थी, ठीक है, तो इतना इजी नहीं होगा उससे पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मैम इतना टाइम नहीं है कैसे करेंगे गिलबर्ट से, तो उससे जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो जैसे मैंने आपको क्लास में बता दी कि आपको सिर्फ उससे इतना इतना करना है, मतलब गिलबर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे ऑल दी बेस्ट बच्चे, कर सकते हो आप, और जो बच्चे जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा तो वो हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस आई थिंक हमारी 22 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी बच्चे, तो जिन बच्चों की कोई क्लासेस अगर मिस हो गई या कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन करता है तो उसको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप का नाम है स्टडी विद पूजा मित्तल, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, मैं आपको एक फ़ोन नंबर देती हूँ, आप इस पे भी मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके आप पूछ सकते हैं, 9729 75, एक मिनट स्टूडेंट्स ये नंबर मुझे याद नहीं है, 9729 75302, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 5, 9729 75302। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक हाँ जी ठीक है, ये हमारे। और अगर कोर्स की फ़ी की बात करूँ मैं तो हमारी फ़ी है बच्चे 5500 फॉर बॉटनी, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, ऑफर चल रहा है 5500 फॉर बॉटनी, 5500 फॉर जूलॉजी। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइफ साइंस का ही पूरा लेना चाहते हैं तो उनके लिए 8000 फॉर लाइफ साइंसेज। ओके स्टूडेंट्स, 8000 फॉर लाइफ साइंसेज। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ तो आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है इसके साथ।
और हमारी टेस्ट सीरीज की वजह से कुछ बच्चे ऐसे कि सेल्फ स्टडी चल रही है उनकी बहुत अच्छे से, और उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया हम किस तरीके से तैयारी करें, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 499 जूलॉजी या बॉटनी के लिए, ये हमारा प्राइस रहेगा। और अगर आप लाइफ साइंस के लेते हैं तो 999 मतलब 1000 रुपीज़ लगा लीजिए आप, ये हमारा रहता है लाइफ साइंसेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से मस्ती में पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 डेज है। ओके।